हेलो, वेलकम बैक टू द कुकी विद डोरेमन। आई एम इति अग्रवाल एंड आज का जो ब्लॉग है टाइटल से यार, हर बार ऐसा क्यों होता है कि मैं अगर ब्लॉग करना स्टार्ट करूँ पानी का ट्रैक्टर यहाँ से जाता है। द थिंग इज दैट आज टाइटल से पता चल चुका होगा कि आज मैं अ डे इन बनस्थली रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इट्स मॉर्निंग 7:49, मुझे उठे हुए बहुत देर हो चुकी है सीरियसली, बिकॉज मैंने सारे काम इन द सेंस बाथरूम में जा चुकी हूँ, ब्रश वगैरह, पानी, गर्म पानी वगैरह, जो भी शेड्यूल रहता है सारा शेड्यूल कर चुकी हूँ। अभी मेरे को नहाने जाना है, 9 बजे की क्लास है, लाइन में लगना पड़ेगा। बाल्टी वाल्टी निकाल लिए, बस उसे एक बार ब्लॉक करके जाती हूँ, स्टार्ट तो कर ही लेती हूँ, तो नहा के आती हूँ भाग के। तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है बिकॉज अभी वायरल हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से एंड मेरी आवाज़ भी इसीलिए बदली हो रही है। सो फटाफट से जाती हूँ, नहा के आती हूँ एंड तंगी तेरी बाल्टी भी देते ताकि मैं नहाने के बाद में रख के आ जाऊँ। ऐसे बाल्टियाँ रखनी पड़ती हैं यहाँ पर, तो बाल्टी वाल्टी तैयार है, मिलता है नहाने के बाद। तो आज हमको यूनिफॉर्म नहीं वॉल करना है, हम कलर्ड कुर्ता पहन सकते हैं, बट इट शुड बी इन कॉटन और खादी। सो अभी मिलता है तैयार होने के बाद, सो बाय बाय। सो आई एम रेडी टू गो फॉर द ब्रेकफास्ट एंड माय आउटफिट लुक दिस। कुर्ती है, नीचे वाइट कलर का पैंट एंड दोनों कॉटन का ही है। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आज शायद ब्रेकफास्ट में पराठा होगा बिकॉज आज थर्सडे है, थर्सडे को ब्रेकफास्ट में पराठा मिलता है, लंच के अंदर पकौड़ी वाली कड़ी मिलती है और डिनर के अंदर राजमा चावल मिलता है। दिस इज व्हाट वी हैव इन द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हम घर लेके आ चुके हैं एंड द थिंग इज क्या थे, नॉर्मल पराठा मिलना होता है, इन्होंने पता नहीं किस चीज़ का पराठा दिया। सो ब्रेकफास्ट इज डन, लेट्स गो टू वॉश द यूटेंसिल्स। बर्तन धुल चुके हैं एंड चलते हैं फटाफट से बैग वैग लगाते हैं। ये मेरा बैग है कॉलेज का एंड इसके अंदर मेरी जो जनरल नोटबुक है वो मैंने रखी है, मस्ट नीड इन वनस्थली अम्ब्रेला और पाउच और एक वाटर बॉटल, क्योंकि गर्मी हो रही है, जाते जाते मैं इसको फिल कर दूँगी बिकॉज रस्ते में वाटर कूलर मिलेगा एंड माई बैग इज क्वाइट रेडी टू मूव। तो अभी फटाफट कॉलेज से ही निकलते हैं बिकॉज 6:50 एंड 9 बजे की क्लास है। तो क्लास से फ्री हो चुके हैं, आज क्लास लेट छोड़ी, संडे 15 मिनट पूरा क्लास लेट छोड़ा है। सो रहे थे कि हॉस्टल जाके आराम से थोड़ी देर बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। 10:15, 11 बजे दोबारा क्लास है, तो फिर 11 बजे क्लास में आएंगे वापस, तो 11 बजे मिलते हैं। इट्स क्वाइट डिसेंट, धूप पता नहीं कहाँ चली गई जो अभी पहले आ रही थी, तो काफ़ी अच्छा सा मौसम सा हो रहा है यहाँ पे। हेलो, वेलकम बैक। सो इट्स 10:40, 11 o'clock मेरी क्लास है एंड मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गई हूँ बिकॉज मेरे पास एक लाइब्रेरी का बुक था एंड आज उसका लास्ट डेट है सबमिट कराने का, तो मुझे उसको फीस मतलब उसको सबमिट करवानी है। तो मैंने सोचा कि अभी 5 मिनट पहले निकल जाती हूँ और उसको सबमिट करवा देती हूँ, नहीं तब तो मुझे पूरी क्लास में उसको कैरी करना पड़ेगा। मैंने एक बुक फोटोकॉपी पे भी दी हुई है, तो मैं जब सेकेंड हाफ में लंच के बाद आऊँगी तब भी मैं ये करूँगी, फोटोकॉपी से उठा के सीधा उसको लाइब्रेरी में जमा कर दूँगी क्योंकि उसका अभी लास्ट डेट आज ही है। बस इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर एक सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट आते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टीचर ही पढ़ाते हैं। इससे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, कौन सी क्लास फ्री आती है, कौन सी क्लास फ्री नहीं आती है, पागल हो जाते हैं हॉस्टल आते जाते हैं। स्कूल में एटलीस्ट ये तो था ना कि चलो पूरी क्लास एक बार में पसंद करके चलेंगे। एंड
लेवल ऑफ क्लॉक क्लास लुक्स लाइक दिस, सेम रूम है जैसे मैंने बताया था। तो अभी तक सर आए नहीं हैं और अभी 11:05 हो रही है। हेलो गाइस, सो जो मैं 3 बजे कॉलेज आने वाली थी वो मैं 3 बजे नहीं गई क्योंकि कड़ी खा के मैं बहुत बुरी तरीके से सो गई और अभी 3:30 बज रहे, 3 से 4 वाली जो मेरी क्लास है वो मिस हो चुकी है। We are out from the photo state shop and अभी हम लोग BBC जा रहे हैं, बंदस्थली बुक स्टोर, जो कि BBC के नाम से ज़्यादा जाते हैं। और किसी को भी BBC बताओ ना तो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, शीट्स फाइल वाली कलर, तो एक बार दिखा दो कैसी वाली है, कौन कौन सी दिखा। BBC से पूरा काम ख़त्म हो चुका है एंड अभी लाइब्रेरी जाके जानी है, वहीं पे जो आपको पहले भी दिखाई थी सेंट्रल लाइब्रेरी वो, और फिर उसके बाद उसी के पास सूर्य मंदिर है वहाँ पे मेरी क्लास है। तो अभी मैं क्लास में जाती हूँ बिकॉज लेट हो रहा है, 51 हो चुकी है, 4 बजे से क्लास है और यहाँ से पहले लाइब्रेरी भी जाना है तो सीधा क्लास के बाद ही मिलते हैं। तो लाइब्रेरी बुक दे दी है एंड वी हैव रीच्ड टू द सूर्य मंदिर। लेट्स गो इन द क्लास। मैम आने में ही होगी, 59 हो चुकी है। जस्ट फ्री फ्रॉम द क्लास एंड बहुत तेज भूख लग रही है तो कैंटीन जा रहा है। तो खा पी के हॉस्टल आ गए, चेंज वेंज किया एंड बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ऑल्दो आज मैं बहुत ज़्यादा सो ली थी बट फिर भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सो आई डोंट थिंक सो मैं डिनर के लिए जाऊँगी बिकॉज वो मैंने खा लिया था। तो अभी 7:10 हो रहे हैं, देखते हैं थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का सीन क्या है क्योंकि अभी असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहा है, असाइनमेंट करते हैं एंड पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब सोते हैं उसके पहले मिलते हैं। तो आज के खाने में राजमा चावल था जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो वैसे यहाँ पे एक ना ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है कि थर्सडे की रात यहाँ पे राजमा चावल ही मिलेगा। ऑलमोस्ट बनस्ली के हर एक हॉस्टल के अंदर राजमा चावल मिलता है। सो खाना नहीं खाया था क्योंकि आज रोल खा लिए थे ना बाहर, तो बिल्कुल भी भूख ही नहीं थी, तो मैंने आज का राजमा चावल मिस कर दिया। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या पता है। सो यहाँ आज का दिन यहीं पे था। 11:30 बज चुके हैं, सोने का बिल्कुल मस्त वाला टाइम हो चुका है तो अभी सोएंगे। तो सोने से पहले देर इज़ अ ह्यूज अनाउंसमेंट फॉर यू गाइज। सो द अनाउंसमेंट इज़ दैट कि मैंने पहले भी बताया था कि गुजरात सीरीज़ आने वाला है, गुजरात के जो मेरे व्लॉग्स हैं जहाँ पे मैं ट्रैवल करने गई थी मेरी फैमिली के साथ, वो सीरीज़ जल्दी स्टार्ट होने वाली है एंड नाउ आई एम श्योर वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। पहले मेरा प्लान था कि मैं इस व्लॉग के पहले सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी बट अभी का लाइफ अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। मेरा जो टोटल ट्रिप था वो 9 डेज का था, वो भी आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, बहुत सारे डेस्टिनेशंस कवर होने वाले हैं। एंड अगर अभी आप गेस कर सकते हो कि गुजरात में मैं कहाँ कहाँ पे विजिट के लिए जा सकती हूँ तो कमेंट में गेस ज़रूर करना। एंड इसके अलावा
एक छोटी सी चीज़ और है कि अभी मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स पोस्ट करना भी स्टार्ट किया है, तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग। ये पूरा दिन था जो एक्चुअल में हो रहा था, क्लास भी मिस हुई तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, क्योंकि वो की तो करी कोई बात नहीं ना, हो जाती है कभी कभी, ऐसे परमानेंट नहीं होती, कभी कभी होती है। सो या एंड अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब फ्यूचर के लिए भी कर लो, क्योंकि गुजरात सीरीज आने वाली है। सो सब्सक्राइब करना बहुत ईजी है, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा रेड कलर को, उसको हिट करके ब्लैक कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि जब भी मेरा अगला ब्लॉग आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। सो सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।